हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स की। कोई भी दो ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स तब कहते हैं जब उन दोनों का शेप और साइज एक जैसा हो। एग्जैक्टली दोनों एक जैसे दिखते हो और शेप भी उनका एक जैसा हो और साइज भी। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास यहाँ पे दो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR। ठीक है, तो इन दोनों ट्राइंगल्स की साइड इक्वल है। इसमें भी 5 सेंटीमीटर की एक साइड है 4 की और 6 सेंटीमीटर की। सिमिलरली ऐसे ही ट्राइंगल PQR में भी सिमिलर मेजरमेंट्स की साइड्स हैं। ठीक, तो हम कहेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। ठीक, तो इसको अगर हम लिख के डिनोट करना चाहें तो इसको हम ऐसे लिखेंगे कि ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR, और ये कॉन्ग्रुएंसी का हमारे यहाँ पे साइन होता है। ठीक, तो दो ट्राइंगल्स को अलग अलग टाइप से कॉन्ग्रेंट प्रूव किया जा सकता है। तो दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट दिखाने के लिए हमें उसमें तीन चीजें इक्वल दिखानी होती हैं। ठीक, या तो हम साइड्स को इक्वल दिखा सकते हैं या साइड एंगल्स को मिक्स करके इक्वल दिखा सकते हैं। तो वो दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रेंट होंगे, यानी वो दोनों ट्राइंगल एग्जैक्टली एक दूसरे की कॉपी होंगे, एक जैसा शेप होगा उनका और साइज होगा। ठीक, सबसे पहले टाइप की जो कॉन्ग्रेंसी बनती है वो बनती है SAS, यानी साइड एंगल साइड। ठीक, तो दो ट्राइंगल के अपोजिट साइड्स और उनके दो अपोजिट एंगल्स और फिर से उनके अपोजिट साइड्स को अगर हम इक्वल दिखा दें किसी ट्राइंगल में तो वो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होंगे। एग्जाम्पल के लिए हमने दो ट्राइंगल ये ABC और PQR, तो इन दोनों ट्राइंगल में हमने इस अगर मान लो ये AB साइड PQ के इक्वल दी है और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल दिया, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी और साइड AC इक्वल टू PR दिया हुआ है, तो ये दोनों ट्राइंगल एग्जैक्टली एक दूसरे के इक्वल होंगे और जिससे इसको हमने कॉन्ग्रेंट दिखाया है उसको हम SAS प्रॉपर्टी कहेंगे या साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी कहेंगे। ठीक, तो अब जो दूसरे टाइप की कॉन्ग्रेंसी है वो है हमारे पास एंगल साइड एंगल, या शॉर्ट में इसको हम ASA भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर दो ट्राइंगल्स में हम दो एंगल्स और एक साइड इक्वल दिखा दें तो हम उन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट कहेंगे। ठीक, एग्जाम्पल के लिए अगर हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं ABC और PQR और इसमें एंगल ए इक्वल टू एंगल पी दिया हुआ है और ये वाली साइड AB साइड जो है PQ के इक्वल दी हुई है और एंगल B जो है एंगल Q के इक्वल दिया हुआ है, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होंगे। ठीक, और जिस प्रॉपर्टी से ये कॉन्ग्रेंट होंगे उसको हम बोलते हैं एंगल साइड एंगल। ठीक, तो जो अब नेक्स्ट टाइप की कॉन्ग्रेंसी हमारे पास वो है साइड 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 कॉन्ग्रेंसी। तो अगर दो ट्राइंगल में हम उसके तीनों साइड्स को आपस में इक्वल दिखा दें तो तब भी वो दोनों ट्राइंगल एक जैसे होंगे, यानी उन दोनों का शेप साइज एक जैसा होगा, यानी वो कॉन्ग्रेंट होंगे। ठीक, तो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए हमने एक ट्राइंगल लिया ABC और PQR और इन दोनों ट्राइंगल में अपोजिट साइड सारी हमने इक्वल दिखा दी, AB इक्वल टू PQ, BC इक्वल टू QR, AC इक्वल टू PR, तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए SSS कॉन्ग्रेंसी से, यानी इसकी तीनों साइड्स इक्वल हैं इसलिए ये SSS से कॉन्ग्रेंट हो गए दोनों ट्राइंगल। अगली कॉन्ग्रेंसी की बात करते हैं, तो जो अगली कॉन्ग्रेंसी है हमारे पास वो है AAS, यानी एंगल एंगल साइड। ठीक, तो दो ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रेंट इस तरीके से भी दिखा सकते हैं अगर उनके दो एंगल्स और एक साइड आपस में इक्वल हो। ठीक, तो जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे ट्राइंगल ABC लिया हमने और PQR लिया और इन दोनों ट्राइंगल में एंगल ए इक्वल टू एंगल पी दिखा दिया, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू दिखा दिया और साइड BC इक्वल टू QR दिखा दी। ठीक है, तो इस टाइप से ये दोनों ट्राइंगल AAS से कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक, तो ये जो कॉन्ग्रुएंसी हम दिखा रहे हैं सारी की सारी ये उसी सीक्वेंस में दिखानी है जिस सीक्वेंस में इनका नाम है। जैसे यहाँ पे AAS है तो हम एंगल एंगल साइड दिखाएंगे, तो यहाँ पे एंगल फिर साइड। ठीक है, ऐसे नहीं कर सकते कि एंगल और यहाँ साइड ले लें और फिर एंगल इधर ले लें, तो जैसा इसका नाम का सीक्वेंस है उसी सीक्वेंस में हम उसको लेंगे। तो जैसा इसके नाम का सीक्वेंस है उसी सीक्वेंस में हम चीजों को लेंगे, चाहे एंगल्स हो चाहे साइड्स हो। तो अगले टाइप की जो कॉन्ग्रेंसी हमारे पास वो राइट ट्राइंगल्स के लिए यूज होती है, जिसको हम बोलते हैं राइट एंगल हाइपोटेनस साइड कॉन्ग्रेंसी। ठीक है, तो अगर दो राइट एंगल ट्राइंगल्स में हम उनके दो एंगल्स जो है 90 डिग्री पे, उसके अलावा अगर हम उसके हाइपोटेनस और कोई भी दो अपोजिट साइड्स को इक्वल दिखा दे तो उन दोनों ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रेंट बोलते हैं और वो जो कॉन्ग्रेंसी होती है उसको हम RHS बोलते हैं। ठीक है, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड कॉन्ग्रेंसी। ठीक, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपकी अगर कोई क्वेरी हो तो उसको भी कमेंट करें। थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग।